हाउ टू रिचार्ज मोबाइल इन योर फोन पे एप्लीकेशन यूजिंग योर डेबिट कार्ड। आज की वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है 2020 में, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो मेरा प्लान है जियो का, वो यहाँ पर आज के डेट में एक्सपायर्ड हो चुका है, एज यू कैन सी दैट। और यहाँ पर मैं अभी फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने जियो के मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये जो एप्लीकेशन, ये फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस है, ये मुझे एक तरीके से बेटर लगा कंपेयर टू पेटीएम के, बिकॉज़ इसका जो प्रोसेस है थोड़ा ईजीएस्ट है और थोड़ा सेफ़ एंड सिक्योर भी लगता है। बट बीच बीच में ये एप्लीकेशन थोड़ा लैग करता है, बट इट इज़ ओके। तो यहाँ पर जो मैं रिचार्ज करने वाला हूँ, मेरा जियो का मोबाइल नंबर वो है, जो प्लान मैं यहाँ पर रिचार्ज करने वाला वो है 349 का। और यहाँ पर मैं अपने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का यूज़ करके अपने पेटीएम को, यानी कि जो जियो का नंबर है, वो यहाँ पे रिचार्ज करूँगा फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करके। सो यहाँ पर आप फ़ोन पे के में मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट फिलहाल अभी मैं सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करूँगा, तो सिर्फ मोबाइल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर उस नंबर को सिलेक्ट करूँगा, वो नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा जिस मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर रिचार्ज करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी इंटर अमाउंट के ऑप्शन पर प्लान को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं व्यू प्लान्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर उस प्लान को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं यहाँ पर रिचार्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 GB डे और 28 वैलिडिटीज के साथ में इस प्लान को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, जो कि 349 का जियो का ये रिचार्ज है। सो यहाँ पे मैंने प्लान तो सिलेक्ट कर लिया है, अभी डायरेक्टली डाउन साइड में पेमेंट के ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, बिकॉज मैं अपना जो रिचार्ज है वो डेबिट कार्ड के हेल्प से ही मैं यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड के फ्रंट में जो डिजिट्स होता है, 12 से 13 नंबर का डिजिट्स, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है इंटर योर कार्ड नंबर पे। देन इसके बाद डाउन साइड में आपके डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, जो कि कार्ड पर ही लिखा होता है नंबर के नीचे। अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है CVV कोड, ये आपका जो डेबिट कार्ड है उसके बैक साइड में 3 डिजिट्स का एक कोड होगा, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद अभी डायरेक्टली यहाँ पे मैं रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे मैं कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करूँगा, ताकि यहाँ पे पता चलना चाहिए कि ये कितना टाइम लेता है प्रोसेस और पूरा पेमेंट कम्प्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद आपका जो कार्ड है, जो आपका फ़ोन पे है, उस पर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देन इसके बाद डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे डन करके आपका रिचार्ज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, एज यू कैन सी दैट। तो फाइनली मेरे केसेस में जो मेरा रिचार्ज है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, एज यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे जो फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और फ़र्स्ट टाइम में मुझे काफ़ी सारा एक बेटर एक्सपीरियंस मिलने लग गया है, और यहाँ पर जो मेरा रिचार्ज है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोसेस काफ़ी ईजीएस्ट था, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पर भी थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न जैसा नहीं लगा। तो इसी तरीके से इस मेथड का यूज़ करके आप अपने जियो मोबाइल नंबर का रिचार्ज कर सकते हैं, अपने इस फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करके डेबिट कार्ड की हेल्प से। सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड फ्यूचर एज वेल। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।